हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की तरफ से, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की तरफ से 15 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत जिसमें यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 82 पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, SC के लिए 13 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, इसके अलावा ST के लिए 19 पोस्ट, OBC के लिए 21 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 82 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर 82 पोस्ट रिलीज किए गए हैं जिसमें आपका पेमेंट जो रहेगा लेवल 7 के अंतर्गत रहेगा, 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत आपका पेमेंट रहेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10+2 किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, उसके बाद आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है और आपका MP नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1100 एप्लीकेशन फ़ी है, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1000 रुपीज़ है, SC ST कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप SC ST हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन या फिर फीमेल के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, मीन्स 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज काउंट जो आपका किया जाएगा 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका वेटेज तैयार किया जाएगा। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम, BSc किया है आपने या फिर GNM किया है तो उसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे टोटल, BSc के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे, GNM के लिए 20, MSc के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, मीन्स टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 100 में आपका तैयार किया जाएगा वेटेज, वेटेज के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर रिक्रूटमेंट पर जाना है आपको। रिक्रूटमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट, जितने भी रिक्रूटमेंट है सभी की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर 1st नंबर पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्सेस है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट भी है तो सेम फॉर्मेट आपको फिलअप करना है, ये है आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको ये सबमिट करना है ऑफिस में। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी दिया हुआ है ऊपर, इसके अलावा सभी आपको फिलअप करना है यहाँ पर। नेक्स्ट में यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, स्वप्रमाणित प्रतिलिपि आपको लगाना है यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगाना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी जैसे हमने बताया अनारक्षित के लिए 1100 है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो उनके लिए भी 1000 रुपीज़ है। तो आपको TGS स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जमा करना है, फ़ी सबमिट करना है। IFSC कोड दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से। रिसिप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं जिसमें आपका क्रमांक रहेगा, रिसिप्ट नंबर रहेगा और डेट रहेगा। इसके अलावा आप डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट कर सकते हैं मुख्य कार्यालय अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनवाते हैं तो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है फॉर्म के साथ।
तो एप्लीकेशन फ़ी आपको इस तरह से सबमिट करना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, सेम आपको सबमिट करना है का पूरा यहाँ पर साइन रहेगा और फोटो भी आपको यहाँ पर लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको चिपकाना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद दिए गए एड्रेस पर आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर लास्ट डेट है, सबमिशन का लास्ट डेट जो है 15th of March 2023 है, शाम के 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, तो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है। फर्दर अपडेट के लिए आपको वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है www.nscbmc.ac.in। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।